इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। भीतरी आंखें खुलने का अर्थ चिंतन जागना और बाहरी आंखें बंद हो जाने का अर्थ संसार की असारता का बोध होना है। जब इससे विपरीत क्या होता है, हमारी बाहरी आंखें खुल जाती हैं, आह वैभव ठाट चल रहा है, महाराज ये लड़का है। दूसरा परिचय देता, महाराज यह नाटी, ये नाटी है। दूसरा ये बता देता, महाराज ये प्रपोत्र है। अब इस प्रपोत्र को सुनकर के, नाटी को सुनकर के, बेटे को सुनकर के, इस प्रकार दादाजी, परदादाजी, सरदादा जी, क्यों भैया, तो अब क्या करें बताओ। जितनी जितनी आप लोग उम्र बढ़ती जा रही कह रहे हैं, यह एक परिवर्तन होता जा रहा, तो हमने भी इसमें शामिल होते हुए मांग की है, तो सुनाना चाहता हूँ, सुनाओ। हाँ, ध्यान से सुनियो। जीना तो चाहूं बहुत अच्छा लगता है मुझे, जीना चढ़ने हेतु। जीना बोलते हैं आप लोग, महाराज हमने बहुत कोशिश करके, जिन्होंने 11 मंजिला हमारे पड़ोस में एक भवन बना करके हमारे नींद को खरीद ली थी, सुन रहे हो, थोड़े से घुमादार बोलता हूँ, आप जहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये तो कम से कम देख तो लो, इतना खर्च किया जा रहा है वहाँ पर, बॉम्बे से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, वहाँ से आए हैं, मतलब हम जीना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं हमारे जीने में विघ्न उपस्थित करते हैं। ये आप लोगों को अच्छा लगे या न लगे, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नींद को किस ढंग से साफ कर रहा है और उससे उसकी नींद वाकई में कहीं चली जाती है, नहीं समझे, अब गोली लेने के उपरांत भी निद्रा नहीं आई। जब तक तेरवा मंजिल वहां पर खड़ा नहीं होगा, नहीं समझे, अब तेरवा मंजिल खड़ा हो गई है तो जिसने 11 किया था उसके नींद चली गई। अब दादाजी का भी यही विकल्प है, कोई बात नहीं, हम प्रायगर सुनते हैं ऐसे क्यों, वृद्धों को नींद कम आती है, अभी जाना तो है, नहीं समझे, कुछ जी लो किंतु जीना तो चढ़ लो, चढ़ने की क्षमता है ही नहीं, लिफ्ट लगा दो, लेकिन चढ़ना तो है। कैसा लग रहा, ये हम सही बात बता रहे हैं क्या गलत, ये बताओ, ईमानदारी के साथ बता दो, कल्याण की बात है ना। हाँ ये बात है,
किंतु योजना जो क्रमबद्ध चल रहे हैं उसके अध्ययन करने से, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, जीना तो है, जीना तो चाहो, जीना चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या है। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे आगे के पति हो, चाहे पीछे के पति हो, कोई भी हो, सैकड़ा वाला भी आनंद भी है और कई सैकड़ा अरब और खरब वाले भी, क्या हो रहा है, क्या व्यतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब, नाड़ी के फड़कन तो थोड़े देख लो। डॉक्टर साहब कहते हैं, आपकी नाड़ी है तो हमारी नाड़ी, लेकिन बीच में तो हमारी नारी आई है। बना तो नहीं है, आपका आशीर्वाद अब अपेक्षित है, तो हम इन दो नाड़ियों को देख ले, अथवा यूं ही जीना क्या है, काम चलाओ जीना, नहीं प्रभु नहीं चाहिए। ये दुर्लभ कहाँ रहा है फिर, ये तो घुटन है। तो इस प्रकार के इस जीवन को देखने से उन्होंने कहा, जा वयो हानव और आवीची मरणम, ये दोनों सूत्र हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, होश हवास की बात है। आपकी आंखें खुल रही है, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ रही है, लेकिन रूपी पदार्थों को देखने के लिए बढ़ रही है। इसलिए आचार्यों ने पांच इंद्रियों के व्यापार को प्रमत्त कहा है। अब आप ही देख लो, जो ठीक ठाक है, बहुत आराम के साथ चल रहा है, ये प्रमाद है। हम चल रहे हैं क्या वो चल रहा है, ये देखना है अपने को। हम चल रहे हैं तो पंचेंद्र के व्यापार के संयम के साथ चल रहे हैं, यदि वो चल रहा है तो समझ लेना वह प्रमाद है। पांच इंद्रियों का व्यापार प्रमाद मूलक ही होता है, इसलिए इससे साधु को साधु बनने के उपरांत भी कान पकड़ करके ये पांच इंद्रियों का व्यापार संसार के लिए नहीं, किंतु इसके नियंत्रण में तुम्हारा मोक्ष मार्ग छुपा हुआ है। पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना अथवा इंद्रियों का संयमन करना, यह एक भीतरी आयाम है। आचार्य संकेत एक बार देते हैं, देखो दिन हो गया, इसका अर्थ है ही नहीं, इस दिनकर का उपयोग करो, इस दिवाकर का उपयोग करो, और रात भी आई है तो सोने के लिए नहीं। 28 मूल गुणों में एक शयन के लिए भी गुण दिया है। क्या कहा, आप जिस प्रकार सोते हो उसी प्रकार हमारे लिए भी आचार्य ने कहा, विश्राम आवश्यक है। किंतु आज कोई कह रहे थे, महाराज यहाँ पर तो अलग ही प्रकार के सर्दी का अनुभव हुआ, जा हम किस लिए कहा था ना, आओ
उन्होंने अनुभव किया, मतलब सर्दी का अनुभव तो प्रतिदिन करते होंगे, लेकिन कुंडलपुर की सर्दी का तो अलग ही अनुभव है। बड़े बाबा की कृपा है। अब यहाँ के लोग यदि मान लो प्रबंध करना चाहे, क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? इसीलिए बड़े बाबा को याद करके 14 घंटे के रात को, नहीं समझे, सुना 1 बजे एक रह गया था। कौन से, क्या एक रह गया था? तापमान। अब 1 बजे तापमान एक रह गया था, आप चाहते हैं सर्दी मात्र, अब गायब कैसे हो, कैसे गायब होगा? ज्येष्ठ में तो तापमान रहता है, अब याद आ रही। हाँ देखो, तो हमने यही कहा था, घबराने की बात नहीं, हमारे लिए मंत्र दिया है संतों ने कि गर्मी के दिनों की लू को खा लो, लू लू है? हाँ, और सर्दी के समय में वो काम में लो। चर्चा के दौरान गुरुजी ने राजस्थान में कहा, ये मंत्र है, गर्मी के समय पर लू खा लो अच्छे ढंग से, और सर्दी के समय पर सर्दी से संघर्ष करो, और फिर भी वह सर्दी अपना परिचय दे देते तो क्या है, अरे हमने तो सर्दी को पकड़ करके मुट्ठी बांध ली, बांध लो मुट्ठी, बांध लो अच्छे ढंग से, मान लो खोलो नहीं, सामान ठीक हो जाएगा, पक्का, ये बिल्कुल पक्का। तो इस प्रकार हम मुनि होने के उपरांत संयत होने के कारण अथवा इंद्रियों की ओर न जाकर के ज्ञान नेत्र को खोलने से ये ज्ञात होता है, नहीं तो यूं ही जीना क्या है। निकल रही है एक 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 निश्चित निकल रहे आवीची मरण कहा, एक 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 लहर जैसे निकलती है लौट करके नहीं आती। आयु कर्म के निश्चित निकलते हैं, भजमान आयु भोगने में आ रहा है, आगे का बंध बलि कर लिया हो तो भी काम में नहीं आएगा, उसकी फलश्रुति अलग रहेगी। जैसे गति का बंध हो, आयु का बंध हो, उसी के अनुसार आपको मिलने वाला है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की ओम नमः शिवाय, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। लवण है और इस शब्द से लावण्य बनता है। लवण सेवन करने में आता है, लावण्य देखने को उपलब्ध होता है। लवण से लावण्य क्यों बना, एक चिंतनीय विषय है।
लवण रस है लेकिन कोई भी नहीं खाता। लवण रस है किंतु उसको जिसने त्याग नहीं भी किया वो भी नहीं खा सकता। समय सार में इसकी महिमा गाई है। क्योंकि लवण खिल्लीवत ऐसा कहा, किंतु जो व्यक्ति लवण लेता है अखिल लवण का सेवन नहीं करना चाहता। गृहस्थ का और श्रवण का और श्रावक का लगभग ऐसा ही स्वभाव है। रस के बिना श्रावक रहना नहीं चाहता और रस के साथ श्रवण कुछ लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? तो अंबुजन सूरि ने कहा है, इसलिए नहीं लेना चाहता स्वभाव का आस्वादन ज्ञानी लोग ही ले सकते हैं और विभाव वाले हम भाव भले ही करें किंतु वो उनकी वश की बात नहीं है। लवण देखने को तो बहुत सफ़ेद अच्छा लगता है, शक्कर के सामने रखने से दोनों में से भेद समाप्त हो जाता है, किंतु शक्कर को तो फिर भी ले ले अकेले, किंतु लवण को अकेले लेना कोई भी पसंद नहीं। तो उसको क्यों उदाहरण के रूप में रखा वहां पर समय सार में? पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से बहुत जल्दी तत्व सामने आ जाता, क्योंकि अनंत काल से परिचय हुई है। लेकिन अनंत काल से ये भी परिचय नहीं हुआ अकेले लवण का सेवन क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि लवण का स्वाद तो लवण ही है, नहीं महाराज हम लवण को बुरका करके दाल में या चावल में या जो कुछ भी है उसको पहले डालते हैं और सब कुछ है उसमें घी भी डाल दिया सब कुछ भी डाल दिया। लवण यदि नहीं डला है, अरे भाई तुम तो फीका जीवन जीने वाले हो, जबकि वो फीका नहीं स्वादिष्ट है, उसमें मिश्रण नहीं और वहाँ ले कुछ ले लो नहीं, इसलिए नहीं। लवण रस होते हुए भी वह उस रस को आप इसलिए नहीं चखते, जुआ उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित संयम रोहित शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। सेव जैन और सेव जैनिज्म के